दोस्तों आज मैं आया हूँ मारुति सुजुकी नेक्सा दिलशाद गार्डन शोरूम में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च फ्रॉन्क्स की। और अपने सामने जो वेरिएंट खड़ा है ये है इसका डेल्टा प्लस मॉडल, जो कि काफ़ी बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट वाली सारी चीज़ें चाहिए तो आप इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इस मॉडल का हम कम्प्लीट रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के अंदर ऑफर किए गए हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, प्राइस रेंज, कलर ऑप्शन, इंजन के आउटपुट से लेकर के माइलेज तक ए टू जेड सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रंट फीचर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले आप इसकी जो विंड स्क्रीन है वो चेक कर सकते हो। इस पर आपको ट्विन मैनुअल वाइपर जो है वो दिए गए हैं। नीचे आप यहाँ पे आप बोनट चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं तो अपने जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको उस तरीके देखने को मिल जाते हैं, लाइक ऐसे ग्रैंड विटारा दोनों ही अपने ऊपर वाले टर्न इंडिकेटर्स को कनेक्ट करती हुई आपको यहाँ पे क्रोम जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। बीच में सुजुकी का लोगो है और यहाँ पे आप देखोगे तो बड़ी सी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है, जो कि लुक में काफ़ी अच्छा लुक ऑफर कर रही है। हेडलैम्प आप देखते हो तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो है वो ट्रिपल वाले जो यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और बेसिकली इसके अंदर आपको जो एलईडी बल्ब हैं वो ऑफर किए गए हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो लोअर पोर्शन के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो ऑफर करी गई है। तो ओवरऑल सामने से जो इस कार का लुक है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो डीआरएल्स हैं वो भी ऑफर किए गए हैं, जो कि इसके लोअर वेरियंट्स के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की दोस्तों। तो यहाँ पर आप कंप्लीट जो साइड व्यू है इस कार का वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अपनी जो लेंथ है वो है इसकी 3995 mm की, ऑलमोस्ट ब्रेजा जितनी आपको सेम मिलने वाली है। इसके अलावा जो इसका व्हील बेस रहने वाला है वो है अपना 2520 mm का, और ये जो है अगर आप कंपेयर करते हो इसको ब्रेजा से 20 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको फ्रॉन्क्स ऑफर कर देती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ये कार ऑफर कर देती है। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको इस वाले मॉडल से यानी कि डेल्टा प्लस मॉडल से जो है वो सिंगल टोन के अंदर एलॉय व्हील्स मिलता है, स्टार्ट हो जाते हैं। टायर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप चेक करें तो 195/60R16 का जो आपको टायर सेक्शन है वो मिल जाता है। फ्रंट में आपको जो है वो डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं और रियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे आप नोट कर रहे हो सिंगल टोन जिसको मारुति कहता है पेंटेड, तो यहाँ पे पेंटेड एलॉय व्हील्स जो है वो आपको ऑफर किए गए हैं। बॉडी के चारों तरफ आप देखें तो व्हील आर्चेस और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो आपको इसके कंप्लीट बॉडी के ऊपर देखने को मिल जाती है। ऊपर आते हैं तो अपना जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, ये भी अपना बॉडी कलर में रहने वाला है विद साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। और ये जो मिरर है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और फोल्डेबल भी हैं, जिनको आप यहाँ से या आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से आपको फोल्ड अनफोल्ड का जो फीचर है वो मिल जाता है। हालांकि की के साथ सिंक नहीं है तो की के साथ जो है वो ऑन और ऑफ नहीं होंगे। बाकी यहाँ पर आप चेक करिएगा तो अपना ए पिलर जो है वो आपको मिल जाता है इसका बॉडी कलर के साथ। बी पिलर पर आपको जो ब्लैकआउट टेपिंग है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। और लास्ट पिलर पर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाता है। सेम एज डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पर बॉडी कलर के ही दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट बात हो चुकी है अपनी साइड प्रोफाइल की। अब आते हैं एक बार रियर व्यू में और आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो रियर से आप इसका जो लुक है वो चेक कर सकते हो किस तरह आपको देखने को मिल जाता है, और लुक वाइज काफ़ी अच्छा जो लुक है ये फ्रॉन्क्स आपको ऑफर कर देती है। अब फीचर्स क्या क्या है तो यहाँ पर आपको दो चीज़ रह गई थी दिखाना, एक तो अपना शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना वो आप यहाँ पर देख सकते हो बॉडी कलर में आपको मिलने वाला है, और अपनी जो रूफ रेल है वो आपको कंप्लीट ब्लैक कलर की फिनिश के साथ देखने को मिलने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा हाइट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। रियर में आ जाते हैं तो यहाँ पे अपना जो रियर का स्पॉइलर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके के डिज़ाइन एलिमेंट के साथ है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको दिया गया है और रियर विंड स्क्रीन आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रियर विंड स्क्रीन के ऊपर रियर डिफोगर्स ऑफर करे गए हैं। सेंटर में सुजुकी का लोगो है, यहाँ पर आपको नेक्सा की जो स्टिकरिंग है वो देखने को मिल जाती है, ये आप चेक कर सकते हो। इसके रियर के लैंप्स किस तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आप कंप्लीट दो। इसके अलावा इस साइड में आप देखें तो यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। लोअर पोर्शन आप देखेंगे तो आपको बॉडी कलर के बम्पर के साथ जो है वो दिया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। दो रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं जो कि स्प्रेड अपने जो है वो रहने वाले हैं, जिस तरीके से आपको एक्सेल 6 में मिलते हैं। और चार पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। नीचे आप देखोगे तो लोअर पोर्शन के ऊपर आपको यहाँ पर सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो ऑफर करी गई है। तो ये तो बात हो गई है इस कार के रियर प्रोफाइल की। अब चलते हैं एक बार कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या चीज़ें जो है ये कार आपको ऑफर कर देती है। तो सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप चेक करिएगा ड्राइवर साइड डोर की ओपनिंग कितनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इंटीरियर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो आपको डुअल टोन के इंसर्ट के साथ देखने को मिल जाता है कुछ तरीके से, आप इसको कंप्लीट चेक कर सकते हैं। और डैशबोर्ड के ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो सिल्वर के इंसर्ट्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आप इसका जो ड्राइवर साइड डोर पैनल है वो चेक कर सकते हो किस तरह आपको देखने
देखने को मिल जाता है, और सेम यहाँ पर भी डुअल टोन का जो फिनिश है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फीचर्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल ये आपको ब्लैक कलर के साथ मिल जाते हैं, कुछ तरीके का आपको यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है। कंप्लीट जो इसका डोर ट्रिम है उसके आपको ऊपर जो है वो फैब्रिक का जो फिनिश है वो ऑफर किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप चेक करिए तो आपने मिरर के कंट्रोल बटन से मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो कंट्रोल बटन मिल जाते हैं, नीचे बॉटल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस है, स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। टोटल चार स्पीकर जो है इस वाले मॉडल के अंदर आते हैं, टूटर्स नहीं मिलते, टोटल चार स्पीकर जो है वो दिए गए हैं। बाकी इंटीरियर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड जो एसी वेंट्स है कुछ इस तरीके के डिजाइन के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे हेडलाइट लैवलिंग स्विच है, ईएसपी बटन है, और आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो आपको मिल जाता है। और नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस प्रोवाइड किया गया है, और दो अपने पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक अपना फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, एक अपना बोनट ओपन करने के लिए। नीचे की तरफ आपको दो पैडल्स मिल जाते हैं, कोने में एक डेड पैडल भी दिया गया है। बाकी दोस्तों आप बैठते हैं सीट पर और आपको दिखाते हैं किस तरीके का कंफर्ट वगैरह है और किस तरीके के फीचर्स जो हैं यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो भाई आ चुके हैं अब इस कार के इंटीरियर में, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो कम्प्लीट जो लेआउट है बैठने के बाद वो नज़र आने वाला है। स्टेयरिंग व्हील आप देखोगे तो अपना जो डी कट शेप के साथ स्टेयरिंग व्हील है वो आपको कम्प्लीट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस तरफ आप देखोगे तो आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो और यहाँ पे आपको कॉलिंग कंट्रोल जो है वो ऑफर किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो स्टेयरिंग व्हील है आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको आप जो टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का जो एडजस्टमेंट फीचर है वो आपको नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं की और आपको दिखाते हैं किस तरीके की आपको जो की है वो मिल जाती है। तो दो जो है वो आपको कीज़ मिल जाती है, रिमोट की आपको बेसिकली दी गई है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, लॉक अनलॉक के बटन के साथ आपको प्रॉपर मिल जाती है, जिस तरीके से मारुति की अदर कार्स में मिलती है सेम वही की यहाँ पर भी ऑफर करी गई है। और इग्निशन को ऑन करने के लिए आपको जो की स्टार्ट पॉइंट है वो ऑफर किया गया है। तो एक बार करते हैं इसको ऑन और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ जो है आपको व्यू इसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो तो अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको डिजिटल और एनालॉग फॉर्म में दिया गया है। जहाँ पे आप देखें तो स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दोनों ही एनालॉग फॉर्म में है। सेंटर में आपको छोटी सी जो एमआईडी स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो आपको फ्यूल की मार्किंग मिल जाती है। अभी ये जो गाड़ी है वो न्यूट्रल पे है, तो एन की आपको यहाँ पर मार्किंग मिल जाएगी, क्लॉक है, टेम्परेचर है, यहाँ पे जोन सा डोर ओपन होगा उसकी आपको मार्किंग मिल जाएगी, टोटल किलोमीटर्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक स्टिक दी गई है जिसको आप प्रेस करोगे तो अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। लाइक नीचे आप देखेंगे तो एवरेज रेंज इस तरीके की जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो आप यहां पर निकाल पाते हैं। बाकी इधर आते हैं तो दूसरी साइड में आपको ट्रिप जो है वो मिल जाती है, ट्रिप ए ट्रिप बी, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सेंटर में आते हैं तो यहां पे आपको स्मार्ट प्ले प्रो वाला जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो दिया गया है, जो कि 7 इंच की स्क्रीन के साथ है। ये म्यूजिक सिस्टम आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही आपको इसके अंदर वायरलेस जो है वो मिल जाता है। और यहां पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहां पे एवरेज रेंज ये सब सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेंटर में आपको एफएम वगैरह का है, क्लॉक है, डेट वगैरह आती है। बाकी यहां पे आप देखोगे तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। सेटिंग वगैरह में जाके आप इसको जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ जो रहने वाला है, कंप्लीट जो इसका फ्रेम रहेगा वो अपना मैट ब्लैक के फिनिश के साथ है। सेंटर में यहां पे कार्बन फाइबर फिनिश है। ऑटोमेटिक टाइप जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको मिल जाता है। यहां पे आपको एक यूएसबी और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। यहां पे आप स्पेस चेक कर सकते हो, ट्विन कप होल्डर है अपना, ये जो एएमटी ट्रांसमिशन है वो आप इसको चेक कर सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको गियर लीवर जो है वो देखने को मिल जाता है। साइडों में भी फिनिश है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल कार का जो इंटीरियर है वो आपको काफी अच्छा जो लुक है वो ऑफर कर देता है। बाकी आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पार्किंग ब्रेक लीवर जो है इसके ऊपर आपको क्रोम का जो टिप है वो मिल जाएगा, और आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके का जो स्पेस है वो यहाँ पर ऑफर किया गया है। ऊपर आते हैं ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है उसमें आपको चेक कर सकते हो कुछ तरीके से ब्लैंक ही दिया गया है। इन साइड रियर व्यू मिरर जो है ये आपको डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है, इसको आप मैनुअली डे और नाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आते हैं तो आपको कैबिन लैंप मिल जाता है, और ये जो है हैलोजन बेस्ड रहने वाला है। दो कैबिन लैंप्स आपको दिए गए हैं। सेंटर में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो है को ड्राइवर साइड में सनवाइजर वो भी मिल जाता है। इधर आपको कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो ऑफर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो ग्लोव बॉक्स में कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे देख चुके हैं। सीट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फुल फैब्रिक जो सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी गई है। कुछ तरीके का आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, काफी अच्छा आपको इसमें थाई सपोर्ट भी मिल जाता है, काफी अच्छा बैक सपोर्ट भी मिल जाता है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर जो है वो दोनों ही एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। सीट के एडजस्टमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है रिक्लाइन टेन का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से आप इसको जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड में एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी बात हो चुकी है इस कार के फ्रंट व्यू की, और आपको एक बार दिखाते हैं इस कार का सेकंड डोर और आपको बताते हैं कि वहाँ से कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो ये कार आपको ऑफर कर देती है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो सेकंड डोर का स्पेस वगैरह है वो देखने को मिल जाता है, और फ्रंट की तरह ही जो अपना सेकंड डोर में भी रहने वाला है सारा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगने वाली है कि यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाती है। डोर ट्रिम अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल जो है वो दिया गया है। ये आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट के ऊपर जो है वो
यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, फैब्रिक फिनिश दिया गया है, पावर विंडो कंट्रोल बटन है, स्पीकर की आपको जगह मिल जाती है, बोतल होल्डर की जगह मिल जाती है, और यहाँ से आपको इसका जो चाइल्ड लॉक का फीचर है उसको ऑन और ऑफ करने का जो फीचर है वो आपको मिल जाता है। और ये जो रियर वाली सीट है दोस्तों, इसके बारे में बताना रह गया था, ये जो सीट है ये आपको 60:40 के स्पीड डाउन फीचर के साथ मिल जाती है, यानी कि अगर आपको बूट स्पेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप जो है इस तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, 60:40 डाउन कर सकते हैं और 40:40 भी डाउन कर सकते हैं। साथ ही रियर में स्पेस आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा जो रियर का स्पेस है वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो रियर में आपको रियर एसी वेंट तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो प्रोवाइड किया गया है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक और कैबिन लैंप जो है वो मिल जाता है, यानी कि इसके कैबिन में जो है दो कैबिन लैंप्स ऑफर किए गए हैं, एक अपना आगे की तरफ दिया गया है और एक अपना सेंटर में आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ये भी हैलोजन बेस जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा इधर आप देखोगे तो आपको एक कलेप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल इस साइड में भी ऑफर किया गया है और इस साइड में भी मिल जाता है, और इस साइड वाले हैंडल के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कोट हुक भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये बात हो चुकी है इस कार के सेकंड रो की। अब आपको चेक करवाते हैं इसका बूट और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ स्पेस वहाँ पर मिलता है। तो बूट ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बटन है वो दिया गया है, उसकी हेल्प से आप बूट जो है इजीली ओपन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो ये कार ऑफर कर देती है। यहाँ पे आप इसको कम्प्लीटली चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ प्लेस किया गया है अपना स्टेपनी टायर, जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये अपना कम्प्लीट स्टेपनी टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है वो सेम रहेगा 195/60R16 का, बट यहाँ पे आपको जो स्टील रिम्स है वो ऑफर किए गए हैं। स्पेस आप चेक कर सकते हो, पार्शल ट्रे जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बात करते हैं अगर इंजन की दोस्तों, तो इस कार के अंदर आपको दो इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है अपना नेचुरली एस्पिरेटेड और एक है अपना टर्बो चार्ज। जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन है वो अपने सामने गाड़ी खड़ी है, ये है अपना 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड डुअल जेट डुअल वीवीटी वाला इंजन। ये इंजन आपको 66 किलोवाट की पावर और 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। सेफ्टी फीचर्स में इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और आइसोफिक चाइल्ड लॉक जैसे सारे जो फीचर्स हैं बेसिक रिक्वायरमेंट वाले, वो सारे कुछ आपको इस कार के अंदर ऑफर किए गए हैं। दोस्तों कंप्लीट बात हम लोगों ने कर ली है, अब बचता है प्राइस और कलर ऑप्शन, उन दोनों को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।